सामने आ। तुम सचमुच का भूत हो? हाँ, कोई कमी है कामों में? लग क्यों नहीं रहा बे? का मतलब हम भूत अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते? मेरा नाम आशिक है और निर्मा मेरी निर्मा दूध सी सफेदी बहुत ही हसमुख लड़की थी, सबके दुखों पे भी हंसती थी। हमारे गांव की ऐश्वर्या राय थी वो। लड़के पागल थे उसके लिए, एक मैं भी था उसका सच्चा आशिक। वह अपने पिता की इकलौती लाडली बेटी थी, उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तू क्या कर रहा है बे? वही जो तुम कर रहे हो। भाभी है वो तुम्हारी? भैया मोहल्ले में हम जैसे आधे से ज्यादा लंडों की भाभी है वो। अगर ज्यादा ही प्यारी लगती हैं तो काहे नहीं करते अपने प्यार का इजहार? वो काहे ना, हमारी फटती है। रिश्तेदार की आंख हो गया जो तरक्की देख के फटती है? अगर ऐसा ही चलता रहो तुम बने रह जाओगे सलमान खान और ब्याह ले जाओगे अभिषेक बच्चन। अरे कहा ले जाएगा अभिषेक बच्चन, हम बनेंगे अभिषेक बच्चन, हाथ नहीं देखी का? बाकी बाप की परचून की दुकान है और बहू बैठती है कबू कबू। आज तक तेल चावल चीनी साबुन सरफ सोडा लहसुन सब वहीं से। बाप बहुत बवाल चीज है, जो भी बाकी मोड़ी की तरफ आंख उठा के देखो ना बाबू कीमा बना देता है। अरे वो सब तू मुंह पर छोड़ दे, ससुर जी हैं हमारे वो। निर्मा की बदौलत मेरी जिंदगी में सब कचू बढ़िया चल रहा था। टेंथ में स्कूल वालों ने निकाल दिया, इलेवेंथ में पापा ने सिगरेट पीते हुए देखा, बहुत कूटा। ट्वेल्थ में पूरे 3 बार फेल हुआ, चौथी बार तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी। निर्मा साबुन साबुन। वैसे निर्मा मिल जाती तो ज्यादा ठीक रहता है। का मतलब? सरफ सरफ। सरफ नहीं है? नहीं है? कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। आज हम तो भाभी को देख के आए, दूध सी सफेदी है वो। निर्मा मिलेगी? हमको सरफ चाहिए थी। सरफ नहीं है? कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे लेने। दूध सी सफेदी निर्मा पे आई, हम जैसे लड़का भी खिल खिल जाए, मेरी पसंद निर्मा। भैया मेरी बात सुनो पहले। भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों? अब तुम्हें दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे? वो सब तुम हम पर छोड़ दो। शर्ट पहन के चलेंगे आज। कहाँ पे? निर्मा भाभी से दोस्ती का हाथ बढ़ाने। वो कैसे?
शाम को 4 बजे ट्यूशन जाती हैं, वहीं पर रोक लेंगे। ये लो चश्मा पहन के जाना, इम्प्रेशन बनता है। दिखता ना आका भैया जी, दोस्ती को हाथ बढ़ाने आए। ये दोस्ती की स्पेलिंग तो गलत है। अरे तूने स्पेलिंग देख के नहीं लिखी का? भैया उनका बराबर के तमाशे देख के लिखी। अच्छा वो हमारी सबसे अलग दोस्ती की सबसे अलग स्पेलिंग। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। भैया जी इसके लिए अभी समय है। वो कहाँ चली गई? उनके ट्यूशन को समय है। गो ये तुम भी चलो। निर्मा तो है ही नहीं। यही तो है सारा। चॉकलेट भी तो आती थी निर्मा की। चॉकलेट नहीं आती निर्मा की, आला जी है। चाहिए चाहिए तो सिर्फ निर्मा, उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे वो कई दिन तक दुकान पर ना दिखी और मैं परेशान होने लगा। अरे भैया जी कैसे उदास बैठे हो? उदास का यार, कई दिन तक तुम्हारी भाभी ना दिखी हमें। अरे टेंशन ना लो, दिख जाएंगी। अरे टेंशन का ना ले, कहीं और चली गई हो तो? अरे चली गई है तो आ जाएंगी, टेंशन काहे ले रहे हो? अरे काहे टेंशन ना ले, वहां से कोई और लड़का पसंद आ गया तो? अरे कर लेने दो, मगर तुम तो उन्हें पसंद करते हो ना। ये तो हमने सोचा ही नहीं। आज मेरे की दोस्त खरवली चलोली थे, पूछने चलेंगे। हाँ वो आ रही, खलबली और चुलबुली। ए खलबली और चुलबुली, बहुत दिन से निर्मा नहीं दिखी, कहाँ चली गई है? चिका बदतमीजी है। उनको निर्मा के बारे में बता के जाओ, वरना हम तो साइकिल की हवा निकाल देंगे। नेरा हो रहा है, हमें जाने दो वरना हम चिल्लाए देंगे। हम भाग लेंगे फिर। अपने मामा के घर गई है वो, अब हमें जाने दो, अंधेरा हो रहा है। तो ऐसे सीधा सीधा ही बताई थी। अब तुम जा सकते हो। मामा के घर गई हो अपने। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। बहुत दिन बाद देखे हो, लगता है कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था। दो दिन से तो नहीं आई। हाँ तो हमको तुम्हारे दो दिन, दो महीने के बराबर लगे है ना? ये फालतू क्यों रहते हो फिर? काम वाम किया करो कुछ। तुम चुप रहो। नहीं नहीं तबीयत बहुत खराब थी इसलिए हम उनको देखने गए थे।
बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बहुत बढ़िया हो गई होगी नानी अब तो तुम्हारी। हाँ, चलते हैं, लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, सोच रहा तुम्हारी भाभी के लिए कुछ गिफ्ट ले ले। भैया जी ऐसा करो, सेंट दे दो 30 रुपया मारो गोबरा को। बच्ची हम तो देंगे तुम्हारी भाभी को 3 रुपया वाला खुशबू वाला पेन, तब तब लिखा करेगी, तब तक हम आई अदाय करेगी। जब मुझे पता चला कि निर्मा को पढ़े लिखे लड़के पसंद हैं तो मैंने अपनी 12वीं क्लास को पास करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करी और पूरे 33% लाकर अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। दिन पर दिन मैं निर्मा के प्यार में पागल होते जा रहा था और उसके लिए हाथ काट कर पत्र लिखने लगा था। पत्र और गिफ्ट मैं निर्मा की सहेलियां खलबली और चुलबुली के हाथ भिजवा देता, मगर वो मैं पत्र का जहाज बनाकर उसमें मेरे अरमानों को उड़ा देती। भैया क्या बात हो गई बे? सुन लो मेरी बात, बात सुनो ना, ऐसा नहीं चलेगा। क्या बात है बे? तुम्हें निर्मा भाभी को प्रपोज करना ही होगा, ठीक है? मगर वो कैसे? वहां तक हम पे छोड़ दो, चलो जल्दी ये पहन के जाना, और इसके साथ ये बुशर्ट टाई पहन के जाना, इंप्रेशन बनता है। चलो ये पहनो। भैया एकदम खुल के बोलना, खुल के। अरे शादी ऐसा माहौल क्यों है बे? लगता है भाभी को भी आपके दिल की खबर पता लग गई है। अच्छा? भाभी को तुलड़ियां ऐसी सदी है। क्या हो रहा है बे? भैया जी ये तो इनकी शादी हो रही है। निर्मा की गोदरेज नंबर 1 के साथ शादी हो रही थी। भैया ये सब देखकर मैं सदमे में चला गया। मुझे हर चीज में निर्मा दिखाई देने लगी। मगर इसमें निर्मा की भी क्या गलती? मैं हवाई अड्डे पर रेलगाड़ी का इंतजार जो कर रहा था, एक तरफा प्यार, अब हम यहां से चले जाएंगे। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर, उम्मीद है तुमसे दोबारा कभी मुलाकात ना हो। हमें रोकिए नहीं, हमें जाने दीजिए। हाँ।
हम चलते हैं। हमें मत रोकिए, जा रहे हैं। हेलो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए।